नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जो इंटरव्यू की सीरीज चल रही थी इस रेलवे वाला ब्लॉग चैनल पर, तो उसी के आगे की कड़ी जोड़ते हुए हमारे साथी हैं एलपी। तो जानते हैं इनसे इनका परिचय, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बहुत श्रीवास्तव है। हाँ। मैं यूपी के गोंडा जिले से हूँ। गोंडा जिले से। और आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। मैंने आईटीआई करके रखा हुआ है। अच्छा, डीजल मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये जो आप लोग कमेंट में सरजी लिखते हैं, प्लीज ना लिखा करें। हम जितने भी हैं सब आप ही लोगों से निकल कर आए हैं, आप ही लोगों के ग्रुप के एज के हैं। तो आप अगर सम्मान देना ही चाहते हैं तो भैया बोल दिया करिए, इतना ही काफी है। बहुत से बच्चे एलपी एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर बहुत ही परेशान है कि वो मतलब किस हिसाब से प्रिपरेशन करें, कैसे पढ़ें। और बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं आप लोगों ने कैसे पढ़ाई की कि आप लोग यहाँ तक आ गए, तो कुछ आप बताएंगे। हाँ, तो पहले जब वैकेंसी आई थी 2018 में एलपी की, तो मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे एसएससी की। अच्छा। मेरा पहला अटेम्प्ट था रेलवे का, मैंने कर दिया क्लियर। अच्छा। सिंपल सा लॉजिक है, आप पढ़ाई करिए, ऑनलाइन पढ़ाई करिए, कोचिंग करिए। और जरूरी है कि आप खुद से पढ़िए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आप कोचिंग करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला उससे। और फिर जरूरी ये चीज हो जाती है कि आप मॉक टेस्ट दिया करिए, वो भी ऑनलाइन। आप अच्छा करिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आप ले कर लेंगे एलपी। हाँ, तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपको बताना चाहेंगे कि टेस्ट बुक का अगर मॉक टेस्ट आप लेना चाहते हैं, हम लोग सभी लोग टेस्ट बुक से ही देते थे, आप भी शायद उसी देते होंगे। तो अभी आपको स्क्रीन पर रेफरल कोड एक दिखेगा, अगर आप यहाँ से लेते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको अभी 10% ऑफ मिलेगा। तो अगर नहीं है तो अभी मैं बता दूं, इसका कोड 0TFVKE, ये कैपिटल में है, आप इसको डालेंगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए, टेस्ट में कितने अटेंड कर पाते थे जब शुरू किया था पहला? बहुत से कहते हैं हम करेंगे 10-20 नंबर आते हैं तो कर। शुरुआत में थोड़ा नंबर कम आ रहा था, ठीक है, उस कारण में जब मॉक टेस्ट देते रह गए, पढ़ते रह गए, फिर नंबर बढ़ते चले गए। एक बात जान लीजिए, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। ये मत अगर आप सोच रहे कि पढ़ाई हम परफेक्ट हो जाएंगे, पढ़ के पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप पढ़ते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, आपका निकलता जाएगा। तो कुछ मैं किस टीचर, जैसे आप गोंडा से थे तो आपने ऑफलाइन पढ़ाई की थी या ऑनलाइन की थी उस समय? मैंने तो ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी फिलहाल। तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे, आपने कहाँ पढ़ा था? रैंडम टीचर होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी मैं तैयारी एसएससी की कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा मैथ वगैरह आसान पड़ गया इसमें। हाँ। रेलवे में तो मैथ रीजनिंग, और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, मैथ रीजनिंग का कितना बड़ा रोल रहता है एलपी में? बहुत रोल होता है मैथ रीजनिंग का। हाँ। और ये बात है कि अगर आपको मैथ आती है तो आपके लिए रीजनिंग आसान हो जाएगा वहाँ पे। तो फोकस करिए मैथ पे, रीजनिंग तो ही जाता है सबका, ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन है, आपने बोला कि मैंने आईटीआई डीजल ट्रेड से किया था, डीजल मैकेनिक से। तो आपने एग्जाम देते समय आपने डीजल मैकेनिक ही रखा था कि या चेंज किया था? मैंने पीसीएम रखा था एग्जाम में, ठीक है, आईटीआई नहीं रखा हुआ था, मतलब टेट मेरा आईटीआई था, पर ऑप्शन आता है पीसीएम का भी करने के लिए, तो मैंने वो ले रखा था। हाँ, तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर भी हो गया होगा कि अगर हम डीजल मैकेनिक से या किसी दूसरे ट्रेड से हैं तो ट्रेड आप दूसरा भी चूज कर सकते हैं जिसपे आप परफेक्ट हो ना। मैम कुछ बताना चाहूंगा पहले। अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखा हुआ, आईटीआई करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और आपको एलपी जॉब जल्दी करनी है, तो मेरा जो ट्रेड था वो एक साल का था, डीजल मैकेनिक। तो अगर आप कर लेंगे एक साल में ही, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप जो वैकेंसी है कि जल्दी से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो ट्रेड होते हैं वो 2 साल के होते हैं। अच्छा, डीजल मैकेनिक एक साल का था मेरा। अच्छा, तो अगर आप बच्चे का कंफ्यूजन भी था, पूछा भी था, तो अगर एक साल का करते हैं डीजल मैकेनिक तो वैकेंसी आई, अप्लाई कर लेंगे। बाकी अगर आप सोच रहे हैं और कोई और ट्रेड करें जिसमें आईटीआई मतलब जो मांग रखा वैकेंसी में, तो 2 साल का ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो आप भी अगर चाहे तो कर सकते हैं या कर रहे होंगे। चलिए, आपका ये CBT 1 निकला, तो उसके बाद CBT 2 में आए, तो CBT 2 के साथ ही ये टेक्निकल का पोर्शन भी लगा रहता है। तो CBT 2 और टेक्निकल का कुछ नॉलेज बताएंगे आप कुछ? देखिए, मेन क्या होता है रेलवे में कि साइंस पूछता है ज्यादा, ठीक है, तो साइंस तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बेसिक ही आता है, 10+2 लेवल का आता है, कोई ज्यादा टफ नहीं आता है। और बाकी मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो जो CBT 2 होता है, जो अलग सेक्शन आता है उसमें पीसीएम के लिए, ठीक है, वो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। बाकी कोई बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है आराम से निकाल सकते हैं, कि ज्यादा टफ नहीं आता है। और जब आपका ये हुआ CBT 2 क्लियर हुआ, आपने पीसीएम आपका क्लियर हुआ सब्जेक्ट जो आप लिए थे, इसके बाद साइको आप क्वालिफाई किए, तो साइको के लिए क्या आपकी रणनीति रही थी उस समय? जब मैं
मेरा सीबीटी निकला हुआ था, साइको की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग वगैरह नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा। तो मैंने ऑफलाइन ही किया था, बुक से, मतलब बुक में क्वेश्चन दिख रहे थे, उसमें करना पड़ता है, तो वही उससे मैंने किया था। अच्छा। बाकी अब तो सुविधा हो गई है, अब काफी सारे टेस्ट आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं साइको के लिए, तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने तो बस ऐसे ही ऑफलाइन किया था, वो सब किया था। तो साइको में जो होते हैं 5 बैटरीज होती हैं जिनको अलग अलग क्वालिफाई करना होता है, शायद 42% होता है ना पासिंग मार्क, हर उसमें कुछ ऐसे 42% पासिंग मार्क होता है, आपको उसमें पास होना पड़ता है। तो जब आपने पास कर लिया, फिर मेडिकल में कोई समस्या हुई या कुछ कोई समस्या नहीं हुई? पहले तो जब मेडिकल, मतलब मुझे बुलावा आया मेडिकल के लिए, तो उसके पहले आपके जिला अस्पताल में आपको दिखाना पड़ता है अपनी आँख को, वहाँ पर सर्टिफाई करेंगे आपको, एक लिख के देंगे पेपर में कि आप A1 फिट हैं आँख में अपने, आप फिट अगर देख लें तो वहाँ बाद में दिक्कत ना हो, आप पहले से फिट रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा रहेगा कि यहाँ फिट है, इस तरह होता है। तो आपको पेपर लेके जाना होता है, वहाँ सबमिट करना होता है। हाँ, सबमिट करना होता है। चलिए, और कुछ आज के बच्चों के बारे में, जैसे 2018 वो दौर कुछ दौर था, 2023 चल रहा है अभी, 2024 आ गया है, तो वो अपने पढ़ने का तरीका, हाँ कुछ बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि हम कितनी देर पढ़े। देखिए, कोई बहुत बड़ा एग्जाम था नहीं रेलवे का, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर होता है कैसे आपने कितना पढ़ते कितनी देर, मुश्किल से मिल रहा 8 घंटे बहुत है आपके लिए रेलवे के लिए, अगर आप पढ़े तो 8 घंटे काफी होते हैं निकालने के लिए एग्जाम को। और जरूरी ये है कि जैसे कि आजकल क्या हो गया है कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, काफी पहले इतना नहीं था पर अब ज्यादा हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि वैकेंसी जाती नहीं है, बच्चे भी सब तैयारी ही करते हैं हम लोग ज्यादातर लोग, तो थोड़ा 8 घंटे पढ़िए आप आराम से, आप बेसिक जो होता है साइंस वो थोड़ा आप तेज, मतलब अच्छा इम्प्रूव करिए उसको, और मैथ होता है, मैथ तो आपको आना ही आना है, 1 में भी आना है 2 में भी आना है, तो मैथ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जरूरी होता है पढ़ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट देते रहिए, आप डेली दीजिए, रोज एक टेस्ट दीजिए, आप उसमें परफॉर्म करेंगे तो आप इम्प्रूव होते जाएंगे, खुद को इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आज 20 नंबर आया, कल 30 आ जाएगा, कल 40 आ जाएगा परसों, तो ऐसे आता रहेगा। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, हम टेस्ट नहीं देंगे, तो ऐसा मत करिए, आप टेस्ट देते रहिए, जो क्वेश्चन गलत हुआ आपके टेस्ट में उसको एनालाइज करिए, उसको देखिए कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होता है ये, ठीक है। ऐसे करते रहेंगे तो आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे, और जब तक एग्जाम आएगा, ठीक है, अच्छे से उसको एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, इस हिसाब से इस समय कंपटीशन बढ़ गया है, तो कुछ वेटेज, पढ़ाई के वेटेज के हिसाब से लोग पढ़ाई करें, या कुछ ऐसा सलाह देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मैथ आता है, ठीक है, परसेंट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से मैथ सबसे ज्यादा आता है, उस पर फोकस करिए। उसके बाद आपका साइंस आता है, ठीक है, उससे फोकस करिए, और बाकी रीजनिंग वगैरह तो बताया मैंने कि मैथ अगर आपका अच्छा है तो रीजनिंग हो ही जाता है। तो आप मतलब इतना आसान भी नहीं ये निकालना, क्योंकि आज के दौर में जान भी रहे हैं इतना पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये करिए कि आप स्ट्रेटजी बनाइए, हमको इतना टाइम पढ़ना है, इतना देर तक ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ने हैं। आप इस तरह जब करेंगे, ठीक है, आप शेड्यूल बनाइए अपना पहले हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है, कि हमें पहले ये पढ़ना है इतना देर, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। और मेन चीज करना है कि जब आपका एग्जाम आए तो आपको रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, ये बहुत अच्छी बात है आपने। कि अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नया पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम में, तो वो मत करिएगा, क्योंकि उससे आपका ही लॉस होगा, आपको जो आता है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा आपका, और जो नया आप सीख रहे हैं अगर आपको भूल गए तो वो भी आपका बेकारी चला जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा आपका। तो आप जो आपको आता है वो करिए, ठीक है, कुछ नया मत पढ़िएगा एग्जाम टाइम में, जो आप पढ़ते आ रहे उसको रिवाइज करिएगा। और मेन चीज होता है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा एग्जाम निकालना। और मैं कह रहा हूँ कि आप शेड्यूल करिए खुद को, वेटेज के हिसाब से आप पढ़िए, मैथ पढ़िए पहले 2 घंटा कम से कम पढ़िए मैथ, उसके बाद साइंस पढ़िए 2 घंटा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो बच रहा है रीजनिंग बच रहा है उस फोकस करिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, और हल्के मत लीजिए एग्जाम को, थोड़ा बच्चे भी काफी होंगे आप एग्जाम देने वाले, काफी बच्चे एग्जाम देते हैं रेलवे एग्जाम, थोड़ा ज्यादा था इस समय और ज्यादा हो गया है, तो इस तरह आप करेंगे तो आप आराम से LP का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सहयोग किया। तो वीडियो ये खत्म करते हैं, और एक बात और है, अगर आप कोई भी कमेंट या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं LP टेक्नीशियन से रिलेटेड, तो नीचे इंस्टाग्राम का आपको मैं वो दे दूंगा लिंक, आप उस पर जाके फॉलो करें और उस पर आप मैसेज पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट में जवाब देते नहीं बनता, ढूंढते नहीं बनता, कभी चले गए उस पर पढ़ा रहता है तो दिखने में आसानी रहती है। धन्यवाद, पढ़ते रहें, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, पढ़िए, तैयारी करिए, और मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम निकालिए, थैंक यू।